जनपद पौड़ी के विकासखंड दुगड्डा के देवरामपुर में उत्तराखंड कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कृषकों को कृषि यंत्र वितरण किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सरकार जो खेती को लाभ का स्रोत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं पर काम कर रही है। किसानों को 0% ब्याज पर कृषि लोन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हर एक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में दी जा रही है। राज्य में आर्थिक विकास हुआ है और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में राज्य की घरेलू उत्पाद की दर में भारी वृद्धि हुई है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। और उस योजना को जमीन पर लाने के ऊपर के पावर बिडर कोटद्वार में करीबन 32 लोगों को दिए गए हैं। इसके अलावा आज आपने देखा एक समूह को, महिलाओं का समूह है, ट्रैक्टर चलाएंगी हमारी राजेश्वरी जी। समूह है, सशक्त हो रही है बहन, मजबूत हो रही है बहन, ताकतवर हो रही है बहन, प्रेरणा बन रही है छोटी बच्चियों के लिए हमारी बहन। कि आज आपने, मैं चूल्हा तो मैं जलाती हूँ और खाना भी पकाती हूँ, लेकिन ट्रैक्टर भी चला के दिखाऊंगी। तो बहुत खुशी होती है कि इस तरह की चीज हो रही है। आपका समूह अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आज आपको पूरी फार्म बैंक जो है, जो मशीनरी होती है, वो 80% सब्सिडी पे आपको दी गई है। बहुत मुझे खुशी हो रही है ये देखकर कि आप लोगों को इस तरह का बैंक दिया गया है, फार्म बैंक जो मशीनरी है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत खुशी की बात है।